लगने का काम तो कंप्लीट हो गया है और आज इसको ढकने का काम भी हो रहा है। देख सकते हो आप, ये देखो तरबूज, इनसे इसको सर्दी नहीं लगेगी तो ये जल्दी उग पाएंगे और उगने के बाद आपको अगले वीडियो में हमारे तरबूज दिखाएंगे हम आपको। ये एक भैया है इधर इस पन्नी को पकड़ के बैठे हैं और दो है जो लगे हुए हैं। इस पर मिट्टी डालने के लिए इस पर मिट्टी डालनी पड़ती है ताकि ये हवा आए तो उड़े भी ना। इस सर्दी के बचाव के लिए लगाया जा रहा है, इससे जो हमारा सीड लगाता है उसका जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। ऐसे सर्दी में लेट उगता है, तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। ये इतने सारे तो ढक दिए, इतने बार तो इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और शाम तक को ये पूरे भी कंप्लीट हो जाएंगे तो आज हमारे तरबूज का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आरू बेटा क्या कर रही है? ये आरू बोरे के साथ मस्ती कर रही है। आरू क्या कर रही है? क्या कर रही है बेटू? ना बेटा ना ना, अरे गोरी के साथ खेल रही है क्या? खेल रही है गोरी के साथ है। खेल रही है तो गोरी से कितना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। गोरी तेरे को अच्छी लगती है क्या? मुंह में नहीं लेते, मुंह में लेती है पागल। इधर मेरे पास आजा, आजा मेरे पास। आ रही है क्या? नहीं आ रही। मेरे पास नहीं आना क्या बेटू? है आरू, पापा के पास नहीं आना क्या? इधर हमारी बूरी है, गौरी अभी रेस्ट कर रही है और इसको तंग कर रही है। गौरी देखो नींद ले रही है कैसे। और इधर देखो गाय का गोबर डाल रही है। क्या करके आई तू? आ करो, अरे क्या कर रही है तू गोरी के साथ? ना बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी तंग नहीं करते, इसको लग जाएगी। गोरी आराम कर रही है, गोरी को आराम भी नहीं करने दे रही है ये। ये देखो गौरी के सींग पकड़ रही है। अरुण ना बेटा
इधर आ अरुण ना बेटा, रेखा इधर गोबर फेंक रही है। आज सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज। क्या कर रही है ना, मत कर बेटा, ऐसे कौन करता है ना। चलेंगे अब, चलें।